तुम्हें अगर 20 लाख रुपए मिल रहे हो तो क्या तुम अपने दोस्त को धोखा दोगे? मुझे कमेंट में जरूर बताना, क्योंकि ये कहानी है हमारी युरिची की, एक सेकेंड ईयर हाई स्कूल लड़का जो कि हमारी ही तरह गरीबी में पैदा हुआ, जिसको अपनी छोटी से छोटी चीजों के लिए भी काफी सारे काम करने पड़ते हैं। लेकिन आजकल हमारा भाई पहले से काफी ज्यादा काम कर रहा है, वो काफी सारी जॉब्स करने लगा है क्योंकि उसको ज्यादा पैसे चाहिए ताकि वो अपने दोस्तों के साथ स्कूल ट्रिप में जा सके, जहाँ आगे हमारा भाई समय रहते ट्रिप के सारे पैसे भरता है। और ये बात सुन के हमारे प्रोटैगनिस्ट के सारे दोस्तों को काफी खुशी होती है। आगे हमें अपने हीरो के कुछ दोस्तों के बारे में बताया जाता है, जिसमें से एक है शिबे जिसके पापा एक बिजनेसमैन है, दूसरी शीहो जो कि क्लास की वाइस प्रेसिडेंट है, तीसरा टेंजी अपनी क्लास का टॉपर, और आखिरी कोकोरोगी जो कि बहुत प्यारी लड़की है। इधर गरीबी में पैदा होने के बावजूद भी अपना युरोइची काफी खुश है कि उसको इतने अच्छे दोस्त मिले, लेकिन उसको क्या ही पता कि समय के साथ ये सब बदलने वाला है, जहाँ आगे चल के इनकी क्लास रूम में इनके क्लास टीचर इन सभी को बताते हैं कि कैसे इनकी स्कूल ट्रिप के पैसों में से 2 लाख रुपए चोरी हो चुके हैं। पैसों के इंचार्ज वैसे तो शीहो और शिबे थे, लेकिन शिबे बताती है कि जब वो वॉशरूम करने गई तो 5th पीरियड में ही किसी ने वो पैसे चुरा लिए। ये सबसे रिक्वेस्ट भी करती है कि जिसने चोरी करे हैं वापस उन पैसों को वहीं रख दो, लेकिन पूरा दिन निकल गया था लेकिन किसी ने भी पैसे वापस नहीं करे। और उसके अगले दिन से ही शिबे और शीहो दोनों ने ही स्कूल आना बंद कर दिया, जिस वजह से स्कूल के बाकी लोगों को लगने लगा कि इन दोनों ने ही पैसों की चोरी करी है, क्योंकि इस वक्त अपने हीरो के दोस्त शिबे और शीहो से कॉन्टेक्ट नहीं कर पा रहे थे। इधर रात में अपना हीरो अपना नॉर्मल काम कर रहा था कि तभी उसको अपने दरवाजा खटखटाने की आवाज आती है। वो दरवाजा खोलता है तो बाहर कोई नहीं था सिवाय एक लेटर के। उस लेटर में शीहो का नाम लिखा था, जहाँ अपना हीरो जल्द से अपनी स्कूल यूनिफॉर्म पहनकर अपनी स्कूल की ओर चला जाता है। वह स्कूल पहुँचते ही उसको अपने बाकी दोस्त भी दिखते हैं, जहाँ आगे चल के उसको पता चलता है कि उसके दोस्त यहाँ पर इसीलिए आए क्योंकि अपने प्रोटैगनिस्ट ने भी उनको एक लेटर दिया था। वह जब तक वो लोग आगे कुछ बोल पाते तभी उनके ऊपर कोई हमला करता है, और इस हमले ने अपने हीरो को वहीं बेहोश कर दिया था, जहाँ फिर उसको सपने में अपनी माँ के आखिरी शब्द याद आते हैं, जहाँ उसकी माँ ने उसको कहा था कि बेटा इस दुनिया में सबसे कीमती चीज दोस्ती होती है। दोस्तों अगली सीन में वो और उसके दोस्त एक सफेद कमरे में उठते हैं, जहाँ तभी उनके पास मनाबू नाम का एक गुड्डा आता है। ये गुड्डा आकर उन सबको बताता है कि तुम सभी को एक गेम खेलनी होगी, जहाँ हर राउंड में तुम्हें 2 लाख रुपए मिलेंगे, जिससे तुम लोग अपने पे हुआ 20 लाख कर्जा चुका पाओगे। जहाँ अपना हीरो उसको पकड़ते ही कहता है कि तुम किस कर्जे के बारे में बात कर रहे हो। वो कहता है कि तुम सभी में से किसी एक के ऊपर 20 लाख रुपए का कर्जा चढ़ा हुआ है। जहाँ टेंजी उसको कहता है कि हमें गुड्डे की बातों का भरोसा कैसे करें। वो कहता है कि भरोसा तुम्हें करना ही होगा क्योंकि तुम ही लोग हो जो इस गेम को खेलने वाले हो। आगे डॉल उनको बताती है कि उनके हिस्से की 2 लाख रुपए की एंट्री फीस उनको ऑलरेडी मिल चुकी है। अपना हीरो ये सुनते ही एकदम हैरान हो जाता है क्योंकि यही वो उतने रुपए हैं जो कि उनकी क्लास से चोरी हुए। आगे गुड्डा उन सभी को कहता है कि तुम्हें अगर नहीं खेलना है तो तुम मत खेलो, लेकिन याद रखना कि एंट्री फीस तुम्हें वापस नहीं मिलेगी और तुम्हारा डेट कभी पूरा नहीं होगा। बाकी तुम लोगों को ये सब सोचने के लिए मैं सिर्फ 5 मिनट देता हूँ। वेल आगे अपना प्रोटैगनिस्ट अपने दोस्तों के साथ बैठकर उन सभी से पूछता है कि तुम सब में से कौन है ऐसा जिसके ऊपर 20 लाख रुपए लोन हो रखा है। जहाँ तभी शीहो उसको कहती है कि फर्क नहीं पड़ता कि कर्जा किसके ऊपर है, हम में से जिसके ऊपर भी कर्जा है उसको अपने दोस्तों की मदद चाहिए थी, तो हमें एज अ फ्रेंड उसकी मदद करनी चाहिए। भाई जिस हिसाब से लड़की बोल रही है ना, मुझे तो लगता है कि इसी के ऊपर कर्जा है। जहाँ शीहो की बात सुनते ही उसके सारे दोस्त एग्री करते हैं उससे। ये सब सुन के अपना भाई हैरान हो जाता है कि क्या दोस्त इस काम के लिए भी होते हैं। तभी गुड्डा इसके पीछे आकर कहता है कि क्यों तुम्हें अपने दोस्तों पे शक है। जहाँ हीरो इसको समझाता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे इन पे शक नहीं है, मुझे बस ये जानना है कि किस पे कर्जा हो रखा है। आगे गुड्डा अपने हीरो से कहता है कि मान लो अगर तुम्हें पता चल जाए कि किसके ऊपर कर्जा है तो क्या तुम उसको छोड़ दोगे? जरा मुझे ये बताओ कि तुम्हारे लिए सबसे कीमती चीज क्या है, दोस्ती या पैसा? तुम भी कमेंट्स में जरूर बताना कि तुम्हारे लिए मनी इम्पोर्टेंट है या फ्रेंडशिप। ये सवाल सुनते ही अपने हीरो को उसकी माँ की बात याद आती है, जहाँ वो उस गुड्डे को कहता है कि मेरे लिए मेरी दोस्ती ज्यादा इम्पोर्टेंट है। वेल उसका आंसर मिलते ही ये गुड्डा दरवाजा खोलता है और इनका भी गेम शुरू हो चुका था। आगे ये लोग जब अंदर जाते हैं इनको एक क्लासरूम दिखाई देता है और टेबल पे एक बड़ा सिक्का रखा हुआ था, जहाँ एक कागज पे यस और नो लिखा था। तो ये एक ऐसा गेम खेलने वाले हैं जिसमें इनको आंसर यस और नो में देना है। दोस्तों साथ ही साथ इन सभी को एक नेम टैग मिलता है जिसके पीछे उनके जो 20 लाख रुपए थे वो इक्वली डिवाइड करे गए हैं। जहाँ एक गुड्डा इनको बताता है कि अगर तुम ये गेम क्लियर करोगे तो तुम्हारा कर्जा जीरो हो जाएगा, लेकिन अगर उनमें से किसी ने भी अपने टैग के पीछे का नंबर एक दूसरे को दिखाया तो उनका कर्जा डबल हो जाएगा। मेन मैच से पहले ये गुड्डा चाहता था कि इनको एक डेमो दिखा सके, जहाँ एक गुड्डा उनको बताता है कि अगर इन सब में से किसी ने भी गलत आंसर दिया तो उसकी पेनल्टी सभी को भुगतनी होगी। बाकी गेम शुरू होने से पहले कुछ ऐसे रूल्स भी थे जो कि इन सभी को सुनने होंगे, जिसमें पहला रूल ये है कि स्पीकर के अलावा कोई भी बीच में नहीं बोलेगा। दूसरा
दूसरा रूल ये था कि अगर ये लोग जीते तो इनको 2,00,000 रुपए मिलेंगे और उनका 40,000 रुपए का कर्जा माफ होगा। और तीसरा रूल था कि अगर ये लोग कहीं भी हारे तो जिसके पास सबसे ज्यादा कर्जा हो रखा होगा वो फिर बाकी लोगों का भी कर्जा लेगा। और इन तीन रूल्स को अगर इन्होंने ब्रेक करा तो इन सभी का कर्जा डबल हो जाएगा। देखो मैंने बड़े प्यार से समझाया, तो अगर समझ नहीं आया तो वापस रिप्ले करके सुन सकते हो, और अगर तुम कॉमर्स स्टूडेंट हो तो शर्म आनी चाहिए। और आखिर में गुड्डा इन सभी को बताता है कि तुम्हारे पास सिर्फ 2 ऑप्शन है जीतने को। पहला रास्ता कि तुम एक दूसरे पर भरोसा करके गेम जीत जाओ, वरना दूसरा रास्ता कि तुम सभी अपने मतलब के लिए खेल कर ही गेम जीतो। गेम शुरू होता है और पहला सवाल अपना शिबे पूछता है। वो पूछता है कि जापान का सबसे बड़ा माउंटेन माउंट फूजी है। आंसर बहुत सिंपल था लेकिन तब भी जवाब नो पे चला जाता है। ये देखते ही शिहो एकदम चिल्लाने वाली थी कि तभी अपना हीरो और टेंजी आकर उसका मुंह बंद करते हैं। प्रोटैगनिस्ट समझ चुका था कि ये गलत हो ही नहीं सकता, इसका मतलब यही है कि हम में से कोई ये जानबूझकर गलत कर रहा है। दूसरा क्वेश्चन बहुत सिंपल था, जो कि था कि क्या 1+1 2 होता है। ये क्वेश्चन बहुत सिंपल था लेकिन उसके बावजूद भी आंसर नो पे आता है। और जैसे ही कॉइन नो पे आया था अपना प्रोटैगनिस्ट समझ गया था कि उन सभी में से कोई ना कोई एक धोखेबाज है। तीसरा क्वेश्चन था कि क्या उनकी कंट्री का इंग्लिश नेम जापान है, जहां आंसर बहुत सिंपल था लेकिन तब भी आंसर नो पे आया। अब भाई अपना भाई थोड़ा बहुत ईवल होने लग गया था। अब भाई उसकी बारी थी कि वो क्वेश्चन पढ़ेगा, जहां लेटर खोलते ही वो देखता है कि वहां पे लिखा हुआ है कि जिसने ये लेटर खोला है उसी को अब क्वेश्चन चूज करना होगा। साथ ही साथ उसके नीचे 2 इंस्ट्रक्शंस और लिखे गए थे जिसमें लिखा था कि अगर इस क्वेश्चन का आंसर उन्होंने यस में दिया तो ये लोग गेम जीत जाएंगे, और अगर आंसर नो में आया तो जो क्वेश्चन पढ़ रहा है उसका कर्जा आधा हो जाएगा। इस वक्त तक अपना प्रोटैगनिस्ट समझ चुका था कि यहाँ पे हर कोई मतलबी है और अपने मतलब के लिए खेलने लगा है, तो अगर उसने नो पे क्लिक करवा दिया तो उसका कर्जा आधा हो जाएगा। इधर हम 2 लड़कियों को देखते हैं जिसमें से एक अपने हीरो की शक्ल देखकर पागल हो चुकी थी। यूजी फिर सवाल करता है कि क्या 1 हफ्ते में 7 दिन होते हैं। उसने सवाल सोच समझ के किया था क्योंकि उसको पता था कि उसके लिए दोस्ती इंपॉर्टेंट है और उस सारा बर्डन कोगुरोगी पे नहीं डाल सकता। अपना हीरो पूरी कोशिश करता है कि आंसर यस पे आए लेकिन समहाउ ये सिक्का नो पे चला जाता है। हीरो को अब समझ आने लगा था कि कोई ना कोई है जो 5th रीडर के ऊपर ही सारा बोझ डालना चाहता है, जहां अपना हीरो यही सोचता है कि अगर आखिरी क्वेश्चन डिफरेंट नहीं रहा तो सभी का कर्जा इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इधर कोकोरोगी लेटर उठा करके उनसे सवाल पूछती है कि क्या हम सभी लोग दोस्त रहेंगे। वैसे अगर ये आंसर गलत हो जाता तो इनका गेम यही खत्म होता, जहां तभी अपना प्रोटैगनिस्ट गेम का एक लॉ ब्रेक करता है और सबसे कहता है कि क्या तुम्हें पता है शिहो के अंडरवे का कलर क्या है। जहां वो शिबे और टेंजी से पूछता है कि तुम मुझे प्लीज बोलो तभी मैं तुम्हें बताऊंगा, लेकिन अपना हीरो को पता था कि ये लोग कभी नहीं बोलेंगे क्योंकि अगर इन्होंने बोला तो इनका डेप वापस नॉर्मल हो जाएगा। दोस्तों यहां पे मैं डेप कर्जों को बोल रहा हूं, तो अगर किसी को समझ ना आए तो अब समझ आ गया होगा। इधर फिर अपना हीरो उन सभी को बताता है कि हम सभी में से कोई एक धोखेबाज है जो कि सारा का सारा कर्जा कोकोरोगी पे डालना चाहता है। खैर अब वो ऐसा कर नहीं पाएगा क्योंकि मैंने रूल तोड़ दिया है और अब सारा कर्जा मेरे ऊपर है। और ये गेम खत्म होते ही धोखेबाज का पता चल जाएगा जो कि एक लूजर होगा, क्योंकि उसके कार्ड में लिखा हुआ था कि आखिरी का जो कर्जा होगा वो उसके पास जाएगा जिसके पास सबसे कम कर्जा है। मारिया ये सब देखकर हैरान थी कि ये इतना बड़ा बेवकूफ है, जहां उसकी दोस्त समझाती है कि अगर तुम उसकी जगह होती तुम भी यही करती। जहां वो उसको बताती है कि मान लो अगर तुम्हारा सारा कर्जा खत्म हो जाता और तुम्हारा आखिरी प्लान ये था कि तुम बाकी कर्जा इस आखिरी वाले के सर पर डालोगी, लेकिन तभी तुम्हें पता चलता कि एक्चुअली में शिकार तो तुम हो रही हो। तो इसी टेक्निक के साथ अपना हीरो सभी को कहता है कि आंसर यस पे डालते हैं, और भाई उसके प्लान के मुताबिक फिर हर कोई यस पे ही डालता है। मारिया उसका दिमाग देखकर काफी हैरान हो चुकी थी कि ये लड़का कितना स्मार्ट है। वही अपना हीरो भी अपने सारे दोस्तों को कहता है कि वो तो मजाक कर रहा था, हम में से कोई धोखेबाज है ही नहीं। एक्चुअली में हम सारे दोस्त काफी नर्वस हो चुके थे, इसी कारण हम सब लोग पहले के 4 राउंड सारे। जहां आगे फिर अपना हीरो उन सभी से उनके बचे हुए कर्जों के बारे में पूछता है और सभी बताते हैं कि उनके पास अब 3,60,000 रुपए का कर्जा बचा है। सब लोगों को यही लगता है कि अपने प्रोटैगनिस्ट के पास ही ज्यादा डेप्थ होगा, लेकिन अपना हीरो बताता है कि उसके पास भी उतना ही है जितना इन सभी के ऊपर है। जहां तभी हीरो उन सभी को बताता है कि कैसे चौथी बार जब उसको क्वेश्चन मिला तो नो आंसर पे उसका डेप्थ आधा हो रहा था, लेकिन उसने बोल करके बीच में रूल ब्रेक करा जिस वजह से उसका डेप्थ इन सभी के बराबर है। यानी कि बंदा चाहता तो इन सभी से सबसे कम कर्जा कर सकता था, लेकिन तब भी इसका कर्जा और बाकी लोगों का कर्जा बराबर हो रखा है। अपना हीरो तो समझ चुका था कि ये सभी लोगों में से कोई एक झूठ बोल रहा है, क्योंकि इन सभी का 3,60,000 नहीं हो सकता। आगे ये सभी लोग अगले राउंड के लिए निकल पड़े थे, लेकिन अपना हीरो वहीं बैठकर अपने शूलेस बांधता है और उसने सोचा था कि लोग झूठ बोल रहे होंगे तो एक बार इनका कार्ड देख लेता हूं। जहां वो देखता है कि धीरे धीरे करके उसमें से सारी इंक गायब हो रही है। जहां तभी शिहो अपने प्रोटैगनिस्ट के पास आती है। वो आती उससे कहती है कि मुझे भी लगता है कि हम सभी में से कोई एक धोखेबाज है, तुम्हें क्या लगता है कि वो कौन है। अपना हीरो उसको बताता है कि ऑनेस्टली बताऊं तो मुझे तुम धोखेबाज लग रही हो, क्योंकि जब मैंने पहली बार डेप के बारे में तुमसे पूछा था तो तुमने टॉपिक चेंज करने की कोशिश
करी। आगे वो कहती है कि बेवकूफ, तुम मेरे बारे में ऐसा सोचते हो। सच बात तो ये है कि मैंने ये टॉपिक इसलिए चेंज किया क्योंकि मुझे लगा कि तुम्हारे ऊपर सबसे ज्यादा कर्जा होगा और शायद तुम ही नहीं ये सारा गेम रचा होगा। आगे अपना हीरो उसको कहता है कि तुमने पक्का मेरे ऊपर शक इसीलिए करा क्योंकि मैं गरीब हूँ। वो कहती है कि बात इसकी नहीं है, वो सच में अपने हीरो से प्यार करने लगी है। ये सुनते ही अपना हीरो थोड़ा सा फ्रीकी टाइप हो जाता है, तुम समझ सकते हो, जहाँ फिर वो उससे ही सारी चीजों की माफी मांगता है। आगे वो उसको ये भी बताती है कि अब उसका कर्जा 360,000 नहीं 760,000 बचा है। हीरो हैरान हो जाता है, उसको समझ नहीं आता है कि ये कैसे हो सकता है क्योंकि उसकी कैलकुलेशन के मुताबिक इसके पास बस 160,000 का कर्जा बचा रहना चाहिए था। जहाँ बताती है कि शायद इसीलिए हुआ होगा क्योंकि मैंने बीच में बोल दिया था। वेल, गेम के दौरान ही उसको ये लग रहा था कि अपने हीरो को बचा रही है लेकिन अल्टीमेटली ये कोको रोगी को बचा रही थी। खैर, सीन में आगे दोस्तों हमें दिखाया जाता है कि ये सभी लोग अब सेकंड गेम के लिए तैयार हैं। सेकंड गेम के लिए ये लोग छत पे आ चुके थे जहाँ एक गुड्डा आकर उनको गेम समझाता है। ये बताता है कि इस गेम में तुम्हें अपने सारे सीक्रेट्स एक पर्ची में लिखने होंगे जिसमें एक पर्टिकुलर टाइम के लिए तुम्हें अंदर जाकर अपने दोस्तों का एक सीक्रेट लिखना होगा और उस सीक्रेट को सिर्फ 3 मिनट बाद ही पढ़ा जा सकता है। जहाँ आगे फिर कार्ड कलेक्ट होते ही सर्वे होगा और पता लगाया जाएगा कि कौन कितना बड़ा दोषी है। जहाँ इस गेम को खत्म करने के लिए किसी एक को एंड तक आता रहना होगा और समय के साथ ये लोग आगे बढ़ेंगे। आगे वो बताता है कि इसमें भी सेम ही अमाउंट है जो कि पिछले गेम में था। आगे वो बताता है कि जो भी बोर्ड की दूसरी तरफ होंगे वो इजीली विनर होंगे जिस वजह से उनको थोड़े और पैसे दिए जाएंगे और वो लोग आसानी से अपने घर जा सकते हैं। लेकिन जो इकलौता सबसे पहले आगे जाएगा उसको काफी सारे कर्जों का सामना करना पड़ सकता है। इन सभी रूल्स के अलावा तुम अपने दोस्तों के बारे में जितना लिखना तुम वो लिख सकते हो, जैसे कि कोई ऐसा झूठ जो तुम्हारा दोस्त छुपा रहा हो। फॉर एग्जाम्पल, तुम्हारी फीमेल फ्रेंड का ब्रा का साइज क्या है। जहाँ अगर झूठ सबके सामने आ गया तो गेम वहीं खत्म हो जाएगा और जिसने लिखा है वो गोल की ओर चला जाएगा। आगे प्लेयर्स को एक ब्लैक कार्ड भी सबमिट करना पड़ेगा जिसके थ्रू वो लोग आगे बढ़ पाएंगे। लेकिन अगर किसी ने भी अपने दोस्तों को धोखा दिया तो सबके सब पीस दिए जाएंगे। जहाँ सारी बातें सुनते ही शीरो थोड़ा घबरा जाती है और तभी फिर अपना हीरो आकर उसको थोड़ा कंफर्टेबल करता है और ये सब देखकर भाई अपने शीबे की जल पड़ी थी। गेम शुरू होते ही जैसे ही लोग ब्लैक कार्ड देकर आगे जाते हैं इनके सामने एक नोटिफिकेशन आता है। जहाँ आगे जैसे ही लोग जाकर रुकते हैं इनके सामने नोटिफिकेशन आता है कि जो भी यहाँ पर रुकेगा उसके 10,000 रुपए माइनस कर दी जाएंगे। इस बारे में इस डॉल को पता था जहाँ ये बताती है कि हर कदम पे तुम्हें कुछ भी डेप मिल सकता है, तो ऐसा हो सकता है कि जब तक तुम गेम खत्म करो तुम्हारे ऊपर भर भर के कर्जा आ सकता है। इधर हमारे हीरो और उसके दोस्त आगे चलते हुए 50,000 रुपए तक उड़ा चुके थे। जहाँ गुड्डा ये भी बताता है कि इन सबके जितने कर्जे बढ़ रहे हैं ये सारे कर्जे उसको दे दी जाएंगे जो कि फिनिशिंग लाइन को पहले पूरा करेगा। मतलब समझ रहे हो ना, जो पहले जीता उसके ऊपर सारे कर्जे आएंगे। आगे चल के इनको 2 कार्ड मिलते हैं जिसमें एक में लिखा था कि अपनी शीहो का अपने प्रोटैगनिस्ट के ऊपर एक क्रश है और दूसरा भी शीहो के ऊपर है जहां बताया जाता है कि शीहो टेंजी के साथ रिलेशन में थी। सब लोग हैरान थे लेकिन अपना शीबे ज्यादा हैरान था क्योंकि अपने भाई को उस लड़की के ऊपर क्रश था। सर्वे के दौरान पता लगता है कि अपनी शीहो काफी बड़ी गिल्टी है जिस वजह से उसको 5 कदम आगे चलने पड़ते हैं लेकिन होपफुली वो ना ही गेन करती है ना ही लूज करती है। इधर ये बंदा पागल हो चुका था क्योंकि इसको इस लड़की पे क्रश था। मतलब बेसिकली भाई काफी गुस्से में हो रखा था कि यार मैं इतने वक्त से ट्राई कर रहा हूं और इसने मुझे भाव नहीं दिया और इस चोमू के साथ रिलेशन में आ गई। होता है यार कभी कभी, मतलब वन साइडेड लव था और बंदे का दिल टूट गया। जहाँ आगे फिर शीहो उसको समझाती है कि हमारा रिलेशन कोई सीरियस वाला नहीं था, हम लोग एक साथ इसलिए घूमते थे क्योंकि हमारे पेरेंट्स की एक पार्टनरशिप डील हुई थी। लेकिन जिस दिन टेंजी के फादर एक्सपायर हुए उसके बाद उसने स्कूल चेंज कर दिया था और उसके बाद अब जाकर ये मुझसे हाई स्कूल में मिल रहा है। ये सुनते ही बंदा उस गुड्डे को कहता है कि भाई ये तो सरासर झूठ लिखा है, जिसने भी लिखा है तो उसको पनिश कर दे अब। जहाँ एक गुड्डा बताता है कि ये मैं कर देता है लेकिन इन दोनों में से कोई एक दूसरे के लिए फीलिंग्स रखता है। वेल, शीहो तो अंदर से कुछ फील नहीं करती लेकिन टेंजी को इसके ऊपर क्रश था। आगे टेंजी बताता है कि इसकी बहुत जल्दी थी जब ये शीबे और शीहो को साथ देखता था। तभी शीबे उससे पूछता है कि अगर इतना ही था तो तूने पर्सनली क्यों नहीं बोला, तूने कार्ड पे क्यों लिखा। टेंजी कहता है कि मैंने किसी कार्ड पे नहीं लिखा है, मुझे लग रहा है कि तू नहीं यहीं पे लिखा है क्योंकि तू जेलस फील करता है, क्योंकि तुझे बहुत दुख होता था कि इस लड़की ने तुझे भाव नहीं दिया और तुझे हमेशा फ्रेंड जोन रखा। ये सुनते इन दोनों की लड़ाई होने वाली थी कि तभी अपना हीरो आकर वहीं रुक जाता है। आगे कोकोरोगी अपनी शीहो से पूछती है कि ऐसा क्यों है कि सभी लड़के तुझसे प्यार करने लगे हैं, क्योंकि देख के तो ये भी लग रहा है कि अपना हीरो चीबी अब तुझे प्यार करने लगा है। अब गेम में आगे जाने के बाद सिर्फ 3 कार्ड बचे हैं जिसमें से एक है कि शीबे जब छोटा था तो वो अपनी मम्मी के साथ ही नहाता था। सेकंड, अपना प्रोटैगनिस्ट 1 हफ्ते से नहीं नहाया, बिल्कुल मेरी तरह। और दूसरा कि शीहो ने अपनी प्लास्टिक सर्जरी कराई है। और रिजल्ट्स आने के बाद ये सभी लोग अपनी अपनी स्पेस में जाते हैं। शीबे को लगा कि प्लास्टिक सर्जरी तो पूरी झूठ है। जहाँ शीहो बताती है कि व्हाट इफ ये झूठ ना हो, क्या उससे तुम्हारा मेरे ऊपर क्रश हट जाएगा, क्या हम लोगों की दोस्ती टूट जाएगी। इधर मारिया और उसके दोस्त बात करते हैं कि फ्रेंडशिप कभी प्यार की नहीं होती, हम लोग दोस्त अपने ही फायदे के लिए बनाते हैं, चाहे हमें उनके साथ हंसना हो चाहे
हमें उनसे पैसे चाहिए हो, चाहे हमें क्लास के गुंडों के साथ रहकर फेमस होना हो, चाहे क्लास में कूल बनना हो। आगे जाकर बस इकलौता ही कार्ड बचा हुआ था जो कि काफी सीरियस था, जो कि था कि कोकोरोगी ने अपने स्कूल के दिनों में पैसों के लिए काफी लोगों के साथ, समझ जाओ मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। सब लोग हैरान हो जाते हैं कि भाई ये चीज क्या है। वहीं इधर कोकोरोगी भी रोने लगती है कि उसका बीता कल उसके मुंह के पास आ रहा है। इधर ये समझ चुकी थी कि ये सभी काम शीहो के हैं, क्योंकि ये सीक्रेट उसने बस उसी को बताया था। शीनो इस बात के लिए डिनाई कर देती है कि उसने इस बारे में कभी लिखा ही नहीं। वहीं इधर अपना शी पे बोलने लगता है कि भला इतनी मासूम सी लड़की इतने गलत काम कर सकती है। ये सुनते ही अपना टेंजी उसको मुक्का मारता और कहता है कि तुम्हें शर्म नहीं आती अपने दोस्त के बारे में ये सब बोल रहे हो। जहाँ फिर टेंजी अपने प्रोटैगनिस्ट को बुलाता है ताकि कोकोरोगी की थोड़ी हेल्प करे। इधर रिजल्ट्स के चार्ट पे हम लोग देखते हैं कि शीहो अभी भी ऊपर है। वहीं इधर कोकोरोगी अपने प्रोटैगनिस्ट को बताती है कि उसको इस चीज का कभी शौक नहीं था, वो बचपन से ही काफी गरीब सी थी, बेचारी को पैसे चाहिए थे जिस वजह से वो लोगों के साथ कभी मिलती थी, हाय हेलो करती थी, उनके बताए हुए कपड़े पहनती थी, लेकिन कभी उनके साथ कुछ गलत नहीं करा। ये सब बोल के अपने प्रोटैगनिस्ट को ये कहना चाह रही थी कि उसने कुछ गलत नहीं किया है, तो प्लीज वो वापस से उसको अकेला ना छोड़े। अपना हीरो उसको प्रॉमिस करता है कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला। वहीं फिर वो प्यार से उसके कान में किसी चीज कहता है जिसे सुनने को यहाँ पे मारिया और उसकी दोस्त बेकरार थी। इधर कोकोरोगी अब शीहो से दूर रहना चाहती थी क्योंकि उसको अब पसंद नहीं आ रही है। इधर टेंजी फिर शीहो को पकड़ता है और कहता है कि मुझे तुम पे भरोसा है, तुमने ऐसा कुछ नहीं किया होगा। इधर मारिया भी काफी एक्साइटेड थी, वो देख रही थी कि कैसे एक एक करके इनकी दोस्ती टूट रही है। इधर मारिया की दोस्त बताती है कि शुरुआत में तो हमें धोखेबाज नहीं दिखा, लेकिन अब सारी कहानी समझ आ चुकी है कि जो मेन धोखेबाज है वो टेंजी ही है। यही वो बंदा है जिसने इनकी स्कूल ट्रिप फंड में से पैसे चोरी करे, शीहो के बारे में सारी गलत बातें इसी ने लिखी, और यही वो मेन है जो कि दोस्ती को टूटवाना चाहता है। यही नहीं, उसको शीहो के बारे में हर चीज पता है कि वो कहाँ जाती है, किससे मिलती है। उसने गिफ्ट के नाम पे शीहो को एक लिसनिंग डिवाइस भी दिया था जिससे शीहो जो भी बात करती वो सारी बातें उसको पता चल जाती, और कोकोरोगी के बारे में भी उसको इसी टेक्निक के थ्रू पता चल पाया। इस बंदे का शुरुआत से प्लान ये है कि एक एक करके शीहो से सारे दोस्तों के कनेक्शन तोड़े, और जब शीहो अकेली पड़ जाए, उसका दिल टूट जाए, तब ये हीरो की तरह आकर उसे अपना बना ले। देख रहे हो, बंदा पूरा आइजन बन के निकला है प्लान के साथ। अब कोकोरोगी की साइड से शीहो के सारे रिश्ते इसने टूटवा दिए हैं, तो अब इसका प्लान है कि शीहो की साइड से भी ये वही चीज करे। तो ये जाता है उसके पास, कहता है कि मुझे तुम पे भरोसा है, और सच बताऊं तो मुझे लगता है कि इस लड़की ने जानबूझ के लिखा है। तुम्हें देख के लग नहीं रहा कि कैसे ये युरोइची के पास आने की कोशिश कर रही है, और अपना युरोइची तो इनोसेंट है, वो कहां इसकी फीलिंग्स हर्ट कर पाएगा। आगे दोस्तों 6 राउंड में हमें दिखाया जाता है कि अब बारी टेंजी की है, जहां वो अंदर जाती रियलाइज करता है कि उसके बारे में तो अभी तक किसी ने कुछ नहीं लिखा, तो ये प्लान करता है कि अपने बारे में ही लिखेगा। और 3 मिनट बाद जब ये बाहर आता है, ये देखता है कि अपना प्रोटैगनिस्ट शीहो को चाटा मार रहा है, क्योंकि शीहो ने अपने बारे में ही खुद जानबूझ के लिखा था, जहां वो बताती है कि लड़कियां किसी भी हद तक जा सकती है अपना प्यार पाने के लिए। और भाई ये सब देखकर टेंजी बहुत ज्यादा खुश होता है और वापस शीहो के पास जाके माफी मांगता है जो भी उसने उसको अभी अभी कहा। इधर शीहो भी खुद देख पा रही थी कि कैसे कोकोरोगी इतनी बड़ी एक्टिंग कर रही है ताकि उसको हमारे हीरो की अटेंशन मिल पाए। आगे दोस्तों टेंजी के बाद बाकी लोग भी कार्ड लिख कर आते हैं, जहां हमें दिखाया जाता है कि सिर्फ 2 ही कार्ड सबमिट करे गए हैं। पहला शीहो के ऊपर कि वो बॉक्सर अंडरवियर पहनती है, और ये चीज कोकोरोगी ने ही लिखी है, और दूसरा है टेंजी के बारे में कि टेंजी इन सभी से 1 साल बड़ा है, जहां टेंजी बताता है कि किसी कारण उसको ड्रॉप लेना पड़ा, इस वजह से वो इनके साथ है। जहां तभी ये बंदा अपनी शीहो से पूछता है कि क्या ये बात तुमने लिखी है, जहां लड़की कसम खाती है किसने ये बात बिल्कुल नहीं लिखी, और अब वो नहीं चाहती कि बाकी दोस्तों की तरह टेंजी उससे दोस्ती तोड़ दे। और वेल यही तो टेंजी का प्लान था, जहां टेंजी उसको प्रॉमिस करता है कि उससे दोस्ती कभी नहीं तोड़ेगा। वेल दोस्तों रिजल्ट आने के बाद हमें दिखाया जाता है कि शीहो फर्स्ट पे है, टेंजी सेकंड पे है, और बाकी लोग थर्ड प्लेस पे हैं। आगे फिर शीहो को एक चांस मिलता है जिसमें वो किसी भी एक मेंबर को या फिर खुद को नॉमिनेट कर सकती है, जिससे उस बंदे की सारी सच्चाई और सीक्रेट्स के बारे में पता चले। और भाई तभी टेंजी घबरा गया था, उसको यही डर लग रहा था कि कहीं ये लड़की उसका नाम ना ले दे और उसका सारा भांडा ना फूट जाए। जहां ये गुड्डा जो है अपनी शीहो से यही कहता है कि तुम्हें उसी का नाम लेना है जिससे तुम सबसे ज्यादा ट्रस्ट करती हो, और जब तक अपना टेंजी का नाम ले पाती तभी ये बंदा सामने आ जाता है और कहता है कि तुम मेरा नाम लो ताकि पता चल जाए कि मैं इनोसेंट हूँ। और जैसी उसका नाम लेती है उसके बारे में सारी चीजें खुल जाती है, जहाँ दिखाया जाता है कि इसके फादर कितने बड़े गैम्बलर हैं, स्कैमर्स हैं, अय्याश हैं, लौंडियाबाज हैं। भाई साहब एक बंदा क्या क्या हो सकता है। और जैसी ये सब इस बंदे को इसके पापा के बारे में पता चलता है, इसका एकदम दिल ही टूट गया था। जहाँ वे शीहो इसके पास आकर कहती है कि कोई नहीं, ये तुम्हारी गलती नहीं है, ये तुम्हारे पापा की गलती है। तभी भाई ये टेंजी आकर इसको कहता है कि तुम्हें ऐसे लड़कों से दूर रहना चाहिए, अभी इस पर भरोसा मत करो, हो सकता है अपने पापा के स्कैम के लोन को हटाने के लिए इसने सारा प्लान किया हो। जहाँ ये बंदा कहता भी है कि मुझे भरोसा करो, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, और बेचारे का ट्रस्ट बनाने का सपना वही टूट गया था। आगे 17वें राउंड पे ये गुड्डा शिवी के पास कार्ड लाकर कहता है कि तुमने बहुत लोगों को मारा है। वहीं टेंजी समझ गया था कि ये चीज उसने नहीं लिखी है,
लेकिन एक बंदा है जिसके ऊपर इसका पूरा शक है और वो है अपना यूजी। इधर धीरे धीरे करके सब लोग इस बंदे से अपना ट्रस्ट खो रहे थे। वहीं इधर टेंजी बहुत खुश था क्योंकि उसको पता था कि अगर ये बात प्रोटैगनिस्ट ने लिखी है तो उसका भांडा यहीं फूट जाएगा। इधर ये बंदा इस गुड्डे के पास आके कहता है कि प्लीज मैंने ऐसा कुछ भी नहीं करा है, कुछ तो करो। ये डॉल इसको यही एडवाइस देती है कि या तो तुम अपने आप को इनोसेंट प्रूफ करो या तो उसको लाओ जिसने ये सारी बातें लिखी। वेल जिसके चलते बाकी व्यूवर्स को इस पे भरोसा नहीं होता और इसी कारण ये बेचारा लास्ट से डायरेक्ट लिस्ट के फर्स्ट रैंक पर आ चुका था। इधर ये बंदा काफी उदास होता है जहां तभी हमारा हीरो आकर इसको कहता है कि मुझे तुम पे पूरा भरोसा है कि तुमने ऐसा कुछ नहीं करा, कोई ना कोई धोखेबाज तो है जो कि हमारे बीच में दरार ला रहा है और मुझे पता लग गया है कि वो कौन है। ये सुन के भाई टेंजी की एकदम फट चुकी थी और उसको लगा कि उसका गेम यहीं खत्म है। शिवे फिर उससे पूछता है कि चलो फिर बताई दो कि मेन कल्प्रिट कौन है। हीरो कहता है कि वो अभी तो इस बारे में कुछ कह नहीं सकता, जहां टेंजी सोचता है कि ये तो ऐसी हवाबाजी कर रहा था। जहां तभी अपना प्रोटैगनिस्ट बताता है कि इसको समझ आ चुका है कि इस गेम को कैसे खेलना है। जहां बताता है कि ये गेम फेयर नहीं है, हर कदम पे हमारे कर्जे बढ़े जा रहे हैं और जानबूझ के हमारे बीच में प्रॉब्लम्स लाने के लिए ये ब्लैंक कार्ड भी इस्तेमाल करा जा रहा है। इसका सोल्यूशन इसने यही निकाला है कि शिबे के अलावा जितने भी मेंबर्स हैं वो सिर्फ अपने बारे में ही बुरा लिखेंगे और इस तरीके से अगर कोई भी धोखेबाज किसी और के बारे में लिखेगा तो हमें पता चल जाएगा कि वो कौन है। ये कमाल का प्लान तो नहीं है लेकिन एटलीस्ट इससे हम एक दूसरे को परेशान करना तो बंद करेंगे। वेल समय के साथ गेम आगे बढ़ता चला गया जहां यूजी के मुताबिक सिर्फ 4 कार्ड होने चाहिए थे और जब ये डॉल कार्ड लेकर आती है तो वो टोटल 10 कार्ड्स थे। इधर अपना प्रोटैगनिस्ट हैरान हो चुका था कि भाई ये चीज कैसे हो सकती है। वहीं टेंजी बहुत मुस्कुरा रहा था क्योंकि इसके मैप में काफी गड्ढे हो रखे थे और ये काफी बेवकूफी भरा प्लान था। भाई यहां तक कि ये डॉल भी कह रही थी कि बच्चे तो ये स्कूल चले आना चाहिए। तभी टेंजी अपने प्रोटैगनिस्ट के पास आकर कहता है कि अब हमें बताई दो कि असली धोखेबाज कौन है। इधर अपना हीरो भी वही दंग रह गया था, उसको समझ नहीं आता कि अब क्या करना चाहिए। और वेल इस चीज का फायदा उठाते हुए टेंजी शिहो को अपने साथ लेकर जाता है और कहता है कि अब तो यूजी भी भरोसे लायक नहीं रहा, अब तुम्हें सिर्फ मैं ही बचा सकता हूँ। वहीं इधर टेंजी बहुत मुस्कुरा रहा था क्योंकि उसको पता था कि कुछ कदम और इनकी सारी दोस्ती टूट जाएगी। वेल फिर गेम ऐसी आगे बढ़ता है, आगे के 10 राउंड में कोई भी किसी से बात नहीं करता, जहां 19वें राउंड में हमें पता चलता है कि अपनी शिहो गोल के बहुत करीब आ चुकी है और अगर हर कोई ब्लैंक कार्ड भी लगा दे तब भी शिहो को हारना ही है। लेकिन कुछ तो गड़बड़ी थी जहां सकीनो अपनी मारिया को कहती है कि पर क्लिप वापस रिवर्स करना, जहां वो अपने यूजी की शक्ल देख के हैरान थी कि ये बंदा कौन है। आगे ये लोग फाइनल कार्ड की ओर बढ़ी रहे थे कि तभी यूजी कहता है कि उसको कुछ कहना है। वेल भाई अपने हीरो को एक नया प्लान मिल चुका है कि कैसे धोखेबाज को यहां से निकालेगा। जहां बताता है कि अगर हमको झूठ लिखे और उसके बारे में पता चल जाए तो हमें पेनल्टीज लगती है, तो हम सभी लोग ये लिखेंगे कि मैंने इस गेम के लिए अप्लाई किया था और नीचे अपना नाम लिख देंगे। तो हम सभी में से अगर किसी एक को पेनल्टी नहीं लगती है तो अल्टीमेटली वही धोखेबाज है, क्योंकि जो धोखेबाज है वो उनकी दोस्ती तोड़ना चाहता है। तो अगर यहीं पर ही धोखेबाज को पकड़ लिया जाएगा तो वो थर्ड गेम की ओर नहीं बढ़ेगा। भाई यहाँ पे टेंजी घबरा चुका था और कहता है कि इससे पता कैसे लगेगा। अपना प्रोटैगनिस्ट कहता है कि हमारी मैनेजमेंट को हर एक चीज पता है कि किसने अप्लाई किया है, तो जो भी धोखेबाज होगा उसके बारे में सब पता चल जाएगा। क्योंकि अपना प्रोटैगनिस्ट चाहता है कि वो अपने सिर्फ सच्चे फ्रेंड्स के साथ ही आगे गेम खेले, ना कि किसी धोखेबाज के साथ। जहां अपना प्रोटैगनिस्ट टेंजी को कार्ड देकर कहता है कि पहले तुम जाना क्योंकि सबसे ज्यादा भरोसा तुम ही पर है। इधर ये बंदा भी बड़े आराम से कामली जाता है और अंदर जाते इस बंदे की फटी पड़ी थी, इसको समझ नहीं आता कि अब इसको क्या लिखना चाहिए। लेकिन तभी ये दिमाग लगाता है, ये सोचता है कि अगर सारे लोग सेम ही लिखेंगे तो मैं भी सेम ही लिख देता हूँ, जहाँ जैसे मैं पकड़ा जाऊंगा मैं रोने धोने की एक्टिंग कर लूंगा और सारी जगह यही प्रिटेंड करूंगा कि मुझे ब्लैकमेल करा गया है और बस मेरा काम हो जाएगा। आगे सभी के लिखने के बाद डॉल रेडी थी सबको कार्ड दिखाने को, वहीं भैया टेंजी भी रेडी था अपनी एक्टिंग शुरू करने को। लेकिन तभी टेंजी को पता चलता है कि उसके अलावा किसी ने भी कार्ड के ऊपर कुछ नहीं लिखा और इससे यही प्रूफ होता है कि टेंजी ने ही इस गेम के लिए अप्लाई किया था। जहां प्रोटैगनिस्ट बताता है कि शुरुआत से ही मेरा प्लान था ताकि मैं सबको धोखेबाज की शक्ल दिखा सकूं। और बस फिर होना क्या था भाई, टेंजी भाई घुटनों में बैठकर रोने लगता है। जहां तभी अपना प्रोटैगनिस्ट उसके बाल खींचकर कहता है कि कह दो सच है कि तुम ही ने अप्लाई किया था, और भाई उसकी डरावनी फेस देखकर टेंजी ऑटोमेटिकली सच बोल देता है। जहां इधर मैनेजमेंट को भी पता चल चुका था कि सेकंड गेम से ही अपना प्रोटैगनिस्ट धोखेबाज को पहचानने के लिए जाल बिछाना शुरू कर चुका था। और जब तीसरे राउंड में शिहो के कपल लव के बारे में पता चला तभी से मैच के साथ सीक्रेटली ज्वाइन हो चुका था, क्योंकि उसको सबसे पहला शक अपनी शिहो पे ही था। तो इसीलिए अपने प्रोटैगनिस्ट ने शिहो को वही लिखने को कहा जिसके बारे में उसने काफी वक्त पहले बोला था, जो कि यही था कि एक हफ्ते से अपना हीरो नहाया नहीं है। जहां आगे चौथे राउंड में शिहो की प्लास्टिक सर्जरी के बारे में जब मुझे पता चला तो ये कन्फर्म हो चुका था कि ये धोखेबाज बिल्कुल नहीं है। आगे चल के अपने हीरो को ये भी चेक करना था कि कोकुरोगी तो कोई ट्रेटर नहीं है। जहां जब इसका पास्ट पता चला था तो अपने हीरो ने उसको कहा था कि ये लड़की हमारे साइड ही है, लेकिन तब भी उसने कोकुरोगी को बोला कि तुम्हें शिहो से अभी भी लड़ाई करनी है। और आखिर में अपना हीरो ही था जिसने कोकुरोगी को बोला कि तुम्हें शिहो की सीक्रेट्स को लिखना है, जो
की वही था कि वो बॉक्सर्स पहनती है। तुम बताना भाई तुम कौन सा वाला अंडरवियर पहनते हो। और उसके बाद फिर आखिरी कार्ड वही आया जिसमें बताया गया कि टेंजी इनसे एक साल बड़ा है और ये सिर्फ दो ही लोगों ने लिखा था, या तो टेंजी ने या तो शीहो ने। जहां टेंजी उससे पूछता है कि इन सभी का वक्त तुम्हें कब मिला, प्रोटैगनिस्ट बताता है कि ये सब हमें उस 3 मिनट के वक्त में ही करना था और असली मौका तब आया जब मैनेजमेंट ने हमारी शीहो को कल्प्रिट सिलेक्शन का ऑप्शन दिया, जहां उसका प्लान यही था कि वो सबसे पहले इसको आगे भेजे, जहां उसका पूरा शक वही कंफर्म हो गया था कि अपना टेंजी ही कल्प्रिट है। आगे टेंजी उससे पूछता है लेकिन तुमने ये सब क्यों करा। आगे टेंजी उससे पूछता है कि अगर तुम्हें मुझ पे शक था तो तुमने मुझे क्यों नहीं बोला। वो कहता है कि मैं तुम्हें बताना नहीं चाहता था, मैं ऑफिशियली प्रूफ करना चाहता था और मुझे ये भी जानना था कि ये सब तुम पैसों के लिए कर रहे हो या फिर इसके पीछे कोई और मकसद है। और मेरा शक ये और ज्यादा तब सही निकला जब तुमने 10 कार्ड भरे थे। वहीं इधर हमारा प्रोटैगनिस्ट दिखाता है कि कैसे उसने अपने तीनों दोस्तों के टैग्स भी ले लिए थे, जिससे फाइनली साबित हो चुका था कि इसके बाकी तीनों दोस्त ट्रेटर नहीं थे, धोखेबाज बस टेंजी था। आगे अपना हीरो बताता है कि शीहो ने भी तुम्हारा बस इस्तेमाल करा क्योंकि वो हर किसी की पर्सनैलिटी के बारे में जानती है, जैसे कि तुम बड़े ही काम और स्मार्ट नेचर के हो, लेकिन जब तुमने शीबी के साथ डायरेक्ट मारामारी करी तो वो एक क्लियर हिंट था कि कुछ तो गलत है। इधर वो लोग गेम में वापस आते हैं जहां एक गुड्डा बताता है कि अपनी शीहो को ही अकेले गेम खेलना होगा। वहीं तभी फिर अपना प्रोटैगनिस्ट आकर इस डॉल के कान में कुछ बोलता है, जहां उसकी बात सुनने के बाद ये डॉल जब मारिया और सकीना से बात कंफर्म कराती है तो यहां ये डॉल अपने प्रोटैगनिस्ट को विनर डिक्लेयर कर देता है। और इसी तरह ये गेम यहीं पे खत्म हो चुकी थी, जहां तभी अपना शीरो पूछता है कि ये सब कैसे हो सकता है, जबकि प्रोटैगनिस्ट ने तो शीबी के बारे में ये भी लिखा था कि उसने 3-4 मर्डर करे हैं। इधर ये लड़की भी काफी हैरान हो चुकी थी क्योंकि ये सब प्लान के अकॉर्डिंग नहीं चल रहा। टेंजी तो धोखेबाज है इसीलिए अपना प्रोटैगनिस्ट उसको कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन मेन रियलिटी यही है कि अपने प्रोटैगनिस्ट ने ही 3 लोगों को मारा है। एंड यहाँ तुम देख सकते हो कि असली आइजन तो ये निकला। सब लोग हैरान हो जाते हैं, जहाँ शीबे काफी गुस्से में कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई है झूठी मुस्कुराहट लेकर हमसे दोस्ती करने की। जहाँ तभी टेंजी खड़ा होकर अपने प्रोटैगनिस्ट के बचाव में कहता है कि कभी ऐसी चीजें होती हैं जो आपको करनी होती हैं, लेकिन तुम जैसे बेवकूफ को क्या ही समझ आएगा, जाओ जा करके अपने पाप को रोको। और बस फिर ये होते ही उन दोनों की वहाँ फाइट शुरू हो चुकी थी। और ये सब देखकर अपना हीरो सोचता है कि इसको कोई दोस्त नहीं चाहिए और वो इन सबसे दोस्ती तोड़ेगा। इतने वक्त से उसको दोस्त इसलिए बनाने थे क्योंकि उसकी मदर ने कहा था कि दोस्ती बहुत इंपॉर्टेंट होती है। वहीं इधर ये डॉल कहती है कि तुम ऐसे मत जाओ क्योंकि तीसरा गेम काफी ज्यादा टफ होने वाला है। जहां अपना प्रोटैगनिस्ट कहता है कि इसको घंटा फर्क नहीं पड़ता और इसका बस एक ही मकसद है कि ये पूरी मैनेजमेंट को तबाह करेगा। इधर ये डॉल भी समझ चुका था कि इस अकेले बंदे के लिए इतना टफ गेम खेलना काफी इम्पॉसिबल होने वाला है, तो ये इसके दोस्तों के पास जाकर कहता है कि अपने दोस्त यूजी को थोड़ा चीयर अप करो। वो तीनों में से कोई भी चीयर अप नहीं करता क्योंकि वो लोग हैरान थे कि वो एक मर्डरर को कैसे चीयर अप करेंगे। इधर अपना प्रोटैगनिस्ट कूदने वाला होता है कि टेंजी यहाँ पर रुककर कहता है कि उसने एक और झूठ बोला है, और वो झूठ ये है कि इसने शीहो के साथ आज तक कभी कोई फीलिंग्स नहीं रखी और ये लड़की तो बस उसके टाइम पास का एक जरिया थी। और ये होते ही भाई टेंजी और अपना प्रोटैगनिस्ट ये दोनों ही वहीं से कूद जाते हैं। जहाँ इधर हमें दिखाया जाता है कि कैसे उसकी मदर उसको कहती है कि दोस्ती ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, वहीं इधर उसके चाचा उसको कहा करते थे कि पैसा ज्यादा कीमती होता है, जो कि अपने प्रोटैगनिस्ट को ज्यादा अच्छा लगता था। इधर हम देखते हैं कि अपना प्रोटैगनिस्ट और टेंजी इस थर्ड गेम में आ चुके थे, जहाँ ये लोग एक ऐसे गड्ढे में है जो कि चारों तरफ से जेल के फॉर्मेट में बंद हो रखी है, जहाँ ये डॉल इनको पानी की बोतल देकर कहती है कि तुम्हें इस गड्ढे के अंदर 3 दिन तक जिंदा रहना है। वेल अब ये देखना इंपॉर्टेंट होगा कि क्या इसके बाद अपना हीरो आगे बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। बाकी तुम लोग कमेंट करके जरूर बताओ यार कि तुम्हारे दोस्ती इंपॉर्टेंट है या फिर पैसा, और इस सीरीज तुम्हें कैसी पसंद आ रही है कमेंट में जरूर बताना। और हाँ, अगर इस सीरीज को ज्यादा प्यार मिलता है तो मैं इसका पार्ट 2 भी जल्द लाऊंगा। बाकी वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर देना, पार्ट 2 के लिए सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन भी जरूर प्रेस कर देना ताकि नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलो फिर आज के लिए इतना ही, मैं मिलूंगा तुम सभी से एक और नई वीडियो में एक और नए एनिमे एक्सप्लेन के साथ। तब तक ग्रेट शनियो हिंदी साइनिंग ऑफ। नमस्ते।